शरणार्थी कैंप से महज आधा किलोमीटर दूरी पर बसा ये पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप है। यमुना किनारे मजनू का टीला इलाके में बने इस शरणार्थी कैंप में 120 पाकिस्तानी हिंदू परिवार रहते हैं, जो 2011 में यहां आकर बसना शुरू हुए थे। लेकिन असम के बाद पूरे देश में एनआरसी की मांग उठने के बाद इन्हें डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भी हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर ना कर दिया जाए। 5 से 7 साल पहले पाकिस्तान के सिंध प्रांत से छोड़कर हिंदुस्तान आए ये 120 परिवारों का गांव है, जो दिल्ली में यमुना किनारे मजनू के टीला पर रहता है। कई बार पासपोर्ट, किसी का पासपोर्ट नहीं है, किसी का वीज़ा ख़त्म हो गया, वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है, लेकिन मांग इतनी है कि उनको भारत की नागरिकता दी जाए। अगर इन्हें नागरिकता नहीं मिलती है और पासपोर्ट की समय जो समय विधि है वो ख़त्म हो जाती है, तब क्या होगा? और एनआरसी अगर दिल्ली में लागू होती है तो पाकिस्तान से आए इन 120 शरणार्थियों का क्या होगा? इस पर एक सवाल खड़ा हो गया है और उसी की भी पड़ताल के लिए हम आज इस इलाके में आए हैं जहाँ ये तमाम परिवार रहते हैं। इनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, कितना संघर्ष है, वो कहानी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे भारत का अपन देश है, यहीं रहेंगे। वहाँ तो मुसलमान का थोड़ा राज है, इससे ज़्यादा हिंदू का थोड़ा दिक्कत है। यहाँ पे चीन के भी रह रहे हैं, बांग्लादेश के भी आदमी रह रहे हैं, उनको बैठाओ तो हम भी चले जाएंगे। हम मर जाएंगे मगर नहीं जाएंगे पाकिस्तान। हमको कहाँ जाना, हमारा तो देश यही है। छह साल पहले पाकिस्तान के हैदराबाद से ज्ञानचंद अपने पूरे परिवार के साथ एक महीने का वीजा लेकर भारत आए थे, लेकिन फिर यही के होकर रह गए। वीजा खत्म हुआ तो लगातार वीजा बढ़वाते रहे। ज्ञानचंद कहते हैं कि वो मर जाएंगे लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे ये आप खुद ज्ञानचंद से ही सुन लीजिए। जाना चाहते हैं वापस? जाना चाहते हैं। भारत का अपन देश है, यहीं रहेंगे, अपना ही देश है। लेकिन जिस मुल्क में आप रहे इतने साल वहाँ से हैं, वहाँ क्यों नहीं जाना चाहते वापस? वहाँ तो मुसलमान का थोड़ा राज है, इससे ज़्यादा हिंदू का थोड़ा दिक्कत है। हिंदुओं के साथ दिक्कत होती है। ज्ञानचंद के भाई भी किसी भी कीमत पर पाकिस्तान लौटने को तैयार नहीं है। वो पूछते हैं कि जब बाकी देशों के लोग भारत में रह सकते हैं तो वो क्यों नहीं? वो तो हिंदू भी हैं और हिंदुओं की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ पे मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं, 25% जैसे मान लो यहाँ पे रह रहे हैं, तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं है ना मुसलमानों को? वहाँ हिंदुओं को क्यों दिक्कत हो रही है? यहाँ पे चीन के भी रह रहे हैं, बांग्लादेश के भी आदमी रह रहे हैं, उनको बैठाओ तो हम भी चले जाएंगे। हम मर जाएंगे मगर नहीं जाएंगे पाकिस्तान। पाकिस्तानी हिंदुओं का कहना है कि पाकिस्तान में हिंदुओं को धर्म का पालन करने की आज़ादी नहीं है। वो अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान छोड़ दिया। लेकिन अब वो हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। धर्म नहीं है वहाँ पे, पढ़ नहीं लिख सकते, नौकरी नहीं ले सकते, ड्यूटी नहीं कर सकते। यहाँ कैसे जीते हैं आप लोग? कैसे यहाँ पे कमा रहे हैं, खा रहे हैं? अपना बच्चे सरकारी में यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में सरकारी में कर रखा है, यहाँ शांति से रह रहे हैं। आपके पास तो बिजली पानी भी नहीं थी? बिजली पानी मगर हम रह सकते हैं, मगर हमारा धर्म रहेगा तो धर्म के लिए हम जान दे देंगे, क्योंकि हम हिंदू हैं। यमुना नदी के किनारे पाकिस्तान से आए 120 परिवार इन झुग्गी झोपड़ियों में शरणार्थी की जिंदगी जी रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से टॉयलेट का बंदोबस्त हो गया है, एक नल भी लगा है जहां से पीने का पानी मुहैया हो जाता है। बिजली के मीटर नहीं है लेकिन इन झुग्गियों में अब बिजली पहुंच गई है। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी इतने से ही संतुष्ट है। 5 से 7 साल पहले पाकिस्तान के सिंध इलाके से आए 120 परिवारों कि जिंदगी कितनी मुश्किल है उसकी तस्वीर भी देखिए। यमुना के किनारे इन झुग्गी झोपड़ियों में बसी ये जिंदगी रोज खतरे से झेलती है। ना नौकरी है ना चाकरी है, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, खाते हैं। बिजली का कनेक्शन सरकार देती नहीं, नागरिकता मांगते हैं वो मिली नहीं है, आधार कार्ड बन गया है बाकी दस्तावेज है नहीं। ऐसे में दिक्कतें कमोबेश बहुत ज़्यादा हैं और ऐसे में एनआरसी को लेकर के जो बातें कही जा रही हैं उससे भी इन परिवारों के अंदर एक चिंता है। लेकिन एक चीज जो तय की हुई है वो ये कि वो हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाना चाहते। गोपीचंद खाट बुन रहे हैं।
ये भी 5 साल पहले अपनी जमीन जायदाद छोड़कर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। गोपी चंद कहते हैं कि कई बार वीजा खत्म हो जाता है तो दिक्कत होती है, मेहनत मजदूरी भी नहीं कर पाते, कई बार जेब में पैसे भी नहीं होते। गोपी चंद कहते हैं कि वो भूखे पेट गुजारा कर लेंगे लेकिन अब पाकिस्तान लौट कर नहीं जाएंगे। अब इतने साल से आप लोग आए हैं, लगातार वीजा बढ़वा के रह रहे हैं। हाँ, जब वीजा खत्म हो जाता तब कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है। असम में जो NRC हो रही है, मांग की जा रही है कि हर जगह NRC जैसा कानून हो, तो ऐसे में जो इस देश के नागरिक नहीं है उनको बाहर भेजा जाएगा, आप लोग क्या करेंगे फिर? नहीं, हम तो इधर ही रहेंगे, हम तो हमारा इलाका है, मर जाएंगे मिट जाएंगे इधर ही रहेंगे। हाँ, हम जाने वाले नहीं है। सरकार कह रही है जो यहाँ के नागरिक नहीं है, और आप लोग तो यहाँ के नागरिक नहीं है, आप तो यहाँ पर वीजा पर आए हैं। वीजा पर कुछ भी आ, हम तो उधर बहुत दिक्कत है, और दूसरे सारे मुसलमान हो रहे हैं उधर, हम नहीं रहना चाहते, इधर ही रहेंगे बस। गोपी चंद की तरह कृष्ण मल भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में रहते थे, जहाँ वो होम्योपैथिक डॉक्टर थे। बेहतर जिंदगी की चाह उन्हें सरहद पार हिंदुस्तान ले आई। बेहद मासूमियत से वो बताते हैं कि उन्होंने झूठ बोलकर वीजा लिया था। एक महीने का वीजा लेकर? हाँ, एक महीना का विजिट वीजा लेकर आए थे। और अब? अब तो बस यही मन लग गया है, जाना नहीं चाहते। हाँ, मैं वैसे भी तो सच तो ये है कि ये जो वीजा मैंने ली थी विजिट वीजा, ये झूठ बोलकर ही ली थी। मुझे वहीं से ही यही था कि मुझे परमानेंट यहीं रहना है। धर्म के नाम पर वहाँ पर बिल्कुल दिक्कत होती है। यहाँ पर भी तो अब कागज़ों के साथ तो दिक्कत होगी, किसी भी मुल्क में अगर कागज़ नहीं होंगे तो आप कैसे रहेंगे? कागज़ की दिक्कत के साथ मनुष्य अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे, और धर्म की दिक्कत के साथ अपना जीवन कभी व्यतीत नहीं कर पाते। अपने 8 बच्चों के साथ एक छोटी सी झुग्गी में रह रहे कृष्णमल ने हमें पासपोर्ट भी दिखाए, लेकिन उनका खुद का पासपोर्ट खो गया है। 5 साल से वो बिना वीजा के रह रहे थे, लेकिन अब वीजा बन चुका है। हमने जब कृष्णमल से पूछा कि अगर उन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जाए तो वो क्या करेंगे, तो उन्होंने भी वही कहा जो हर पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कहता है। नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर भेजा जाएगा तो भी हम नहीं जाएंगे, और अगर हम खुद भी नहीं जाएंगे। वहाँ धर्म के नाम पर पाकिस्तान में संकट है। एक हिंदू कहलाना मुंह के ऊपर थप्पड़ या गाली के समान है। अगर कोई पूछ लेता है कि आप कौन हो, नाम कोई पूछ लेता है, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है, जैसे कि किसी कर्जदार ने आकर कर्जा मांग लिया अनहोनी के समय पर, ऐसा है। यमुना के ठीक किनारे अपनी झोपड़ी में रोटी खा रहे गोपाल दास भी उन्हीं पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों में से एक हैं जो सिंध हैदराबाद प्रांत छोड़कर हिंदुस्तान आ बसे। जब हमने उनसे पूछा कि इस तरह वीजा बढ़वाकर वो कब तक हिंदुस्तान में रहेंगे, तो उन्होंने हमारे सामने खुशी खुशी अपना आधार कार्ड रख दिया और बोले कि उन्होंने नागरिकता के लिए आवेदन किया है। तो हमारे तो साबित है नागरिकता है, हमारे तो वीजा है, वीजा बढ़ाते हैं हम। आधार कार्ड तो बनवा लिया। आधार बनवा लिया आपने? हाँ। कैसे? ये तो मोदी ने खुद बोला था ना, आधार कार्ड बनवा लो, तो आधार कार्ड बनाओ, पिन कार्ड बनवाओ, तो बैंक में खाता बनवाओ। शरणार्थी शिविर में घूमते हुए हमें रवि मिल गए। रवि भी पाकिस्तानी हिंदू हैं, जो इन शरणार्थी शिविरों में बच्चों को पढ़ाते हैं, इसीलिए यहाँ सब उन्हें रवि मास्टर कहकर पुकारते हैं। रवि ने हमें रोककर कहा कि वो भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, और फिर जब रवि ने बोलना शुरू किया तो अपना दिल खोल कर रख दिया। हमने वहाँ पर रोती हुई बहनें छोड़ी हैं, रोती और पिटती हुई माएँ छोड़ी हैं, अपना भाई रिश्तेदार छोड़े हैं, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ी है, अपना वतन छोड़ा है, अपना सब कुछ, वहाँ सुविधाएं सब कुछ छोड़ कर आए हैं, लेकिन हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि ये संस्कृति जो है हमें साथ रखनी है, और हम इसको हमेशा के लिए साथ रखेंगे। पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए शाम होने लगी तो घरों के चूल्हों पर रोटियां सेकी जाने लगी। आज तक का कैमरा देखकर लोग भारत माता की जय के नारे लगाने लगे। कहीं नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से आए हैं अलविदा करके। ये लोग भारत की नागरिकता मिलने की उम्मीद रखते हैं,
भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, देशभक्ति की कस्में खाते हैं और दावा करते हैं कि वो हिंदुस्तान के हो गए हैं और अब उन्हें हिंदुस्तान से कोई जुदा नहीं कर सकता। दिल्ली के इस पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी बस्ती में रहने वाले 120 परिवारों की तरह हिंदुस्तान में रह रहे हर एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी अब खुद को हिंदुस्तान के हवाले कर चुके हैं और अब हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क मानते हैं। इसीलिए तमाम दिक्कत परेशानियों के बावजूद शान से तिरंगा लहराते हैं। इंसानियत भले ही मुल्क और सरहद को न माने, इंसानों को मुल्क के कानून और सरहद को मानना ही पड़ता है। एनआरसी की लकीर असम से शुरू हुई तो दिल्ली तक खींचने की मांग हो रही है। ऐसे में उन 120 मासूम जिंदगियों, उन 120 परिवारों की जिंदगी और उन पर सवाल खड़ा हो गया है जो अपना मुल्क पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आ बसे। उस मुल्क ने अपनाया नहीं, इस मुल्क को ये अपना चुके हैं, लेकिन जब तक कानूनी तौर पर सरहद इन्हें अपना नहीं लेती, इनकी जिंदगी पर सवाल खड़ा रहेगा। दिल्ली में इस पाकिस्तानी रिफ्यूजी कैंप से प्रदीप गुप्ता के साथ आशुतोष आज तक।